दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूएमटी के बारे में और मेडिकल के बारे में। तो यूएमटी में क्यूसीफाइड टूल है और मेडिकल में साउमी टूल है, ठीक है, एमआई अकाउंट अनलॉक करने के लिए, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन वाले सेट को अनलॉक करते थे हम लोग, ठीक है, तो उस मोबाइल को यूएमटी और मेडिकल साउमी टूल में अनलॉक करने के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंपनी जो है किस तरह से जो है बिल्कुल नेताओं की तरह जो है अपना वादा बदलता है, ठीक है, समय समय पर अपना प्लान बदलता है, अपना नियम बदलता है, कस्टमर उस इनके बीच में जो है फंस जाता है, हमारे जैसे लोग जो है फंस जाते हैं, अपना पैसा पर लगा देते हैं और हम लोग का काम नहीं होता है। तो बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो परेशान हैं, कई लोगों का पैसा फंस चुका है, ठीक है, इसी पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें और पूरे वीडियो को देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अभी यहाँ पे मेडिकल के बारे में कि जब मेडिकल का सबसे पहले मेडिकल साउमी टूल आया था और मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, मैंने बताया था कि मेडिकल साउमी टूल में क्वेलकम आईसी प्लस मीडियाटेक आईसी और एमआई कंपनी के स्वामी कंपनी के जितनी भी मोबाइल है सारे ऑनलाइन वाले सेट को अनलॉक करेगा ये और ऑफलाइन वाले सेट को भी अनलॉक करेगा, ठीक है। तो शुरू शुरू में जब ये टूल निकला था उस वक्त हमने जो है टूल को स्वामी टूल को एक्टिवेट कराया मेडिकल का, उसके बाद 100 क्रेडिट लिया। शुरू शुरू में ये टूल अच्छा काम कर रहा था, अच्छा वर्क कर रहा था, ठीक है, सभी मोबाइल को अनलॉक कर रहा था ऑनलाइन वाले सेट को। उसके बाद इसका सर्वर जो है मतलब काम नहीं करने लगा, सर्वर बिजी बताने लगा, ठीक है, और अभी लगभग तकरीबन 2 महीने से इसका सर्वर बंद है, काम नहीं कर रहा है। कभी कभी किसी किसी दिन सर्वर इसका काम करता है, नहीं तो परमानेंटली हमेशा इसका सर्वर बंद ही रहता है। तो आप जो है इसका क्रेडिट जो है ना लें, क्योंकि इसका जो है क्रेडिट अगर आप लेंगे तो अभी आपका पैसा फंस जाएगा और कब तक इसका सर्वर ठीक होगा ये कहना मुश्किल है, कंपनी के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया साउमी टूल के बारे में कि आपको ताकि इसकी जानकारी हो जाए और आप लोग जो है बचे, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं यूएमटी के बारे में। तो दोस्तों मैं बता दूं जब यूएमटी का जब इसमें अटैच सर्वर ऑप्शन यूएमटी क्यूसीफाई टूल में दिया था तो उस टाइम सबसे पहले वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाला था, मैंने बताया था कि यूएमटी में जो क्रेडिट सिस्टम आ गया है 10 क्रेडिट का पैक है, अगर आप 10 क्रेडिट लेंगे तो एक मोबाइल को अनलॉक करने में जो है आपका 1 क्रेडिट कटेगा, यानी 10 मोबाइल को आप अनलॉक कर सकेंगे। क्योंकि कंपनी भी यही कह रहा था, जैसे हम फॉर्म में पोस्ट किया था कंपनी ने यूएमटी टीम ने, कि जो है एक मोबाइल को अनलॉक करने में जो है 1 क्रेडिट कटेगा। जब सभी लोगों ने क्रेडिट ले लिया और मैंने क्रेडिट दिया सबको, ठीक है, और जितने लोगों ने भी क्रेडिट लिया, उसके बाद कुछ दिन बाद जो है इसका सर्वर ऑफलाइन हो गया, अचानक काम नहीं करने लगा, और जब इसका सर्वर ऑन हुआ तो अचानक ये 10 क्रेडिट काटने लगा, ठीक है, यानी एक मोबाइल अनलॉक करने पर यह 10 क्रेडिट काट रहा था। जो लोग 1 क्रेडिट कह करके क्रेडिट लिया था अपने स्वामी टूल को जो है मतलब क्रेडिट 10 क्रेडिट का पैक लिया था, और उसके बाद जब इसका सर्वर जब ऑनलाइन हुआ, नया टूल जब इसका आया उसमें जब सर्वर ऑनलाइन हुआ तो उसके बाद ये एक मोबाइल अनलॉक करने में 10 क्रेडिट काट लेता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी इसका क्रेडिट 0 है। ये कस्टमर ने जो हमको व्हाट्सएप पे इसका इमेज भेजा था स्क्रीनशॉट कि मैंने 10 क्रेडिट लिया, 10 क्रेडिट के बाद जब मैंने एक ही मोबाइल अनलॉक किया, ओनली मात्र 1 मोबाइल मैंने अनलॉक किया, उसके बाद मेरा जो है 10 क्रेडिट खत्म हो गया, जबकि ये क्रेडिट मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ही लिया था, ठीक है, सर्वर ऑफलाइन की वजह से मैंने यूज नहीं कर पाया था इसको, और अभी जब इसका सर्वर ऑनलाइन हुआ है तो मेरा 10 का 10 क्रेडिट मेरा जो है खत्म हो चुका है, ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे 0 बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी वाले जो है कब अपना जो है प्लान चेंज करेगा और नेताओं की तरह जो किस तरह से अपना वादा जो है बदल देगा, ठीक है, वादा करके वादा खिलाफी करेगा, कहना मुश्किल है। तो आप लोग जो है इस चीज को समझ लें अच्छी तरह से, तभी आप क्रेडिट लें। उसके बाद अभी दोबारा यूएमटी टीम ने जो जैसन फॉर्म में पोस्ट किया है कि अभी जो है एक मोबाइल अनलॉक करने में आपको 10 क्रेडिट कटेगा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो आप क्रेडिट लें, अगर शर्तें मंजूर नहीं है तो क्रेडिट ना लें। तो बीच में सर्वर ऑफलाइन भी हो सकता है और जब ऑनलाइन होगा तभी आपका मोबाइल अनलॉक होगा, तो आपको अपना क्रेडिट लेकर के भी आपको वेट करना होगा कि कब इसका सर्वर ऑनलाइन होगा, कब आप मोबाइल को अनलॉक करेंगे। तो ये सारी बातों को आप जान लें तभी आप क्रेडिट ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम फॉर्म में पोस्ट किया है कि अब जो है पहले 1 क्रेडिट का सिस्टम था, अब 10 क्रेडिट काटेगा आपका एक मोबाइल अनलॉक करने में। मान के चलिए आपने 10 क्रेडिट ले लिया और आप मोबाइल को बूट करा रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, बीच में अगर आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया तो इसमें भी आपका क्रेडिट कट जाएगा और मोबाइल अनलॉक नहीं होगा और कंपनी इसका पैसा वापस आपको नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं कि 10 क्रेडिट का जो प्राइस है 784 रुपए प्राइस है, 784 रुपए लगेगा आपको एक मोबाइल अनलॉक करने में, केवल आप एक मोबाइल ही अनलॉक कर पाएंगे, और बीच में अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया आपके कंप्यूटर से तो आपका वो क्रेडिट भी कट जाएगा और मोबाइल भी अनलॉक नहीं होगा। तो ये सारी शर्तों को अगर आपको मंजूर है तो आप क्रेडिट लें, अन्यथा ना लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।